का धरना चालू रहेगा। खंडवा जिले के रंजीत होटल में मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कमलनाथ सरकार के 6 माह में किए गए कार्यों को सफल बताते हुए आगे और भी आम जनता को इसका लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए किए गए सवाल पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जल्दी ही नौकरियों का होगा बंदोबस्त, जल्दी ही मिलेगी सौगात युवाओं को। खंडवा से रजा खान की रिपोर्ट। जो हमारी प्राथमिकता था, किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल माफ, पेंशन 300 से 600 की, 28,000 से कौन कन्याओं को पैसा बढ़ा विवाह के अंदर, जो जो ये सरकार करेगी। उनके जमाने में एक ट्रांसफार्मर ग्रामीण का डीपी 1 माह या 2 माह में जलने के बाद ठीक होती थी, ये सरकार आने के बाद कितने दिन में, दो दिन में सारी वसूली स्थगित, सारे केस वापस, और जो 1-4 की गाड़ी लेके जाते थे उस काले कानून को भी हमने बंद किया। जब एक गांव का व्यक्ति बिल नहीं भरता था, ये पूरे गांव की लाइट काटते थे, ये भी हमने समाप्त किया। तो पिछले से बेहतर 2018 में जो बिजली वितरण होती थी, उससे ज़्यादा मात्रा में आज भी हम बिजली आम उपभोक्ता को, किसानों को, गरीबों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली के बिल हमने हाफ कर दिए, 2 रुपये यूनिट से घटाकर 1 रुपये कर दिया। ये हमारी